हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे चैनल पे। तो देखिए, आजकल नवरात्रे चल रहे हैं ना, तो मैं आपके लिए आज भी फिर एक डिश लेके आई हूँ व्रत के लिए। ये हैं सिंगाड़े के आटे के पकोड़े, और बहुत टेस्टी बनते हैं ये खाने में, बहुत इजी भी होते हैं बनाने में। देखिए कितने सॉफ्ट हैं अंदर से, बाहर से क्रिस्पी हैं और अंदर से सॉफ्ट हैं। तो आइए चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ इसकी रेसिपी, जिससे आप भी बनाएं इन्हें। तो इन पकौड़ों को बनाने के लिए मैंने ये तिल लिए हैं, थोड़े से सफ़ेद तिल हैं, अदरक और हरी मिर्च है, दो आलू हैं उबले हुए, ये थोड़ा सा सिंगाड़े के आटे का घोल है, तिल और ये हरा धनिया है थोड़ा सा जो मैंने चॉप करके रखा है बारीक बारीक। तो सबसे पहले हम आलूओं को कद्दूकस कर लेंगे, और इसमें हम जैसे दो मेरे बड़े बड़े आलू थे, तो दो चम्मच मैंने इसमें सिंगाड़े का आटा मिक्स किया है। तो आलू इसमें ज़्यादा रखेंगे, आटा हम बहुत कम रखते हैं इसमें, उसके हिसाब से अदरक हरी मिर्च और हरा धनिया सब इसमें ऐड कर देंगे, और थोड़ा सा सेंधा नमक। लाल मिर्चें अगर आप खाते हो व्रत में तो आप ज़रूर ऐड करें, और तीखा बनाने के लिए हरी मिर्चें भी ज़्यादा कर सकते हैं, या काली मिर्चें आप यूज़ कर सकते हैं इसमें, क्योंकि लाल मिर्चें सब लोग नहीं खाते हैं नवरात्रों के व्रत में, इसलिए आप उसकी जगह काली मिर्चें और हरी मिर्चें यूज़ कर सकते हैं। और इसको हम अच्छे से एक डो की तरह बना के रख लेंगे। ये याद रखें कि इसमें हमें आलू ज़्यादा रखने हैं और आटा कम रखना है। इधर मैंने घी भी रख दिया है गर्म होने के लिए, और ये हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे, पूरे आटे के हमने छोटे छोटे बॉल्स बना के रख लेंगे गोल। शेप आप कोई सी भी दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, मैंने गोल ही बनाए हैं, वैसे आप कोई सी भी शेप दे सकते हैं इसको। और अब एक एक बॉल को उठा के हम पहले हम सिंगाड़े के आटे के घोल में डिप करेंगे, उसके बाद हम तिल चिपका देंगे इसके ऊपर, और इनको हम डीप फ्राई कर लेंगे। और इसी तरीके से मैं सारे डीप फ्राई कर लूँगी ये, और बहुत जल्दी तैयार हो जाती है ये रेसिपी। इनको फिर हम पलटते रहेंगे धीरे धीरे सिम टू मीडियम गैस पे। इसके लिए हमें फ्लेम सिम टू मीडियम रखनी है, हाई फ्लेम पे ना रखें वरना अंदर से कच्चा रह जाएगा। और ये देखिए बन गई है, मेरे पकौड़े तैयार हैं बिल्कुल, और मैंने आपको दिखाए थे शुरू में बना के तोड़ के, तो आप भी बनाइएगा, और हरी धनिया की चटनी के साथ इसे सर्व करें, बहुत टेस्टी लगते हैं ये। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।